Ranveer Singh star Simmba hit the screen worldwide today. The most anticipated release of the year is directed by blockbuster giver Rohit Shetty under the production house of Karan Johar. Sara Ali Khan, Sonu, Sood and Ashutosh, Rana are among the other cast of this film. Before audience and celebs, the movie was watched by a group of experts who watched the film last night. Here's what they have to say about the film. Amazing movie. We didn't get to meet Ranveer, but the movie was amazing and his entry was great, great, great. What do you think special about the film, Ranveer? You can see it in the upcoming movie where we will get to see Akshay. Dekhiye, film jo hai, first half, jaise matlab puri film mein Ranveer Singh jab screen pe hote hain to tab bahut maza aata hai. कहानी बहुत सिंपल है, आगे एंजॉय करना है, लेकिन इसमें नयापन नहीं है. कहानी को, पुरानी कहानी को नए तरीके से पेश किया गया है और एंजॉय है. थोड़ा सा लंबी लगती है, 2 घंटा 45 मिनट ज़्यादा है. अगर 2 घंटा 5-10 मिनट होती तो और मज़ा आता, लेकिन फिल्म को जिस तरह से पेश किया है, रोहित शेट्टी की जो खासियत है कि वो बहुत कलरफुल मूवीज़ बनाते हैं और हर सीन में जान डाल देते हैं. सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, इसीलिए फिल्म में मज़ा आता है. कहानी में भले ही नयापन ना हो, लेकिन देखकर लगता है कि यार चलो कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं हम जिसमें हमें ज़्यादा जहन लगाना नहीं है, बस सिर्फ मज़े लेने हैं. और रणवीर सिंह जिस किरदार में घुस जाते हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ. फिल्म वॉज अ वेरी टिपिकल रोहित शेट्टी एंटरटेनर एंड आई लव दैट. वेरी स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट बिकॉज इट वॉज नॉट अ वेरी टिपिकल कॉमेडी फ्लेवर, बट ही डिड इट फुल जस्टिस रणवीर सिंह एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी टिपिकल रोहित शेट्टी. आई एम यूजिंग टिपिकल बिकॉज इट्स बिकॉज इन द पास्ट रोहित शेट्टी इज लाइक दिलवाले डिडंट डू दैट वेल, बट आई थिंक ही इज बैक. यस 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 यस, दिस इज हिज फोर्टे, दिस इज हिज जॉनर एंड ही इज एब्सोल्युटली नेल्ड इट एंड आई लव्ड इट. I loved it totally. बहुत टाइम के बाद एक कमर्शियल फिल्म एंड आई मीन ऐसा कोई लूप होल नहीं है जो आप पॉइंट आउट कर सको. और मैंने बहुत टाइम के बाद एक फिल्म एक ऑडियंस के हैसियत से देखी. आई एम एन एक्टर माई सेल्फ, मुझे अपने अंदर का एक्टर जगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. मैं ऑडियंस की तरह गई और मुझे ऑडियंस की तरह बहुत मज़ा आया. ये मूवी सुपर हिट है भाई, सुपर हिट. फिल्म में सभी अच्छा है, एक्शन, इमोशन और जो रोहित शेट्टी की फिल्म में होता है, जो फिल्म में होना चाहिए सब कुछ है. Now let's hear from them that how many stars they want to give out of 5. Out of 5 star, how many star will you give? 4? 5. It's entertaining. 3.5 star, mein se dena chahiye. 500. 4 and a half. As per the experts, the film is ruled by Ranveer Singh and he has completely nailed it.